इमरान मसूद ने हाल ही में कांग्रेस की सीईसी बैठक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने इस बैठक में पार्टी के आगामी चुनावी रणनीति को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए। इमरान मसूद के अनुसार राहुल गांधी ने पार्टी को मजबूत करने और चुनावी मैदान में पार्टी की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत बताई। इस बैठक में राहुल गांधी ने उन नेताओं से चर्चा की जो आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और पार्टी को चुनावी सफलता दिलाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। इमरान मसूद ने आगे बयान देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार का क्या देखिए, सरकार ने तो ये नए नए एक्सपेरिमेंट करने का ठान लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर में ये किस तरह संभव होगा कि 29 स्टेट और सेंटर एक साथ चल पाएं? किसी स्टेट के अंदर अगर कभी माइनॉरिटी के अंदर सरकार आती है या सरकार किसी कारण गिर जाती है तब क्या परिस्थिति पैदा होगी? तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में मुझे तो किसी तरह से संभव लगता नहीं। अब पता नहीं सरकार का क्या फॉर्मूला होगा, जब पेश करेंगे तब देखेंगे उसमें क्या है। सर, दिल्ली चुनावों से ठीक पहले इस तरीके का की बात सामने आना, क्या आपको इसके पीछे कोई वजह दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, देखिए इसके पीछे कोई वजह नहीं है। बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाओ और इधर उधर की बातों के अंदर ध्यान लगाओ, इसके अलावा कुछ इस सरकार का काम नहीं। अपने रूप के साथ तो सदन में बिल लेकर आ रही है, विपक्ष का क्या रणनीति इस पर होगा, क्या आप लोग जब तक कोई चीज आएगी नहीं सामने तब तक क्या रणनीति बनाएंगे? ये कैसे संभव होगा? हमें तो बुनियादी तौर पर समझ में नहीं आ रहा कि संभव कैसे होगा। केजरीवाल की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया है महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे, कैसे देखते हैं इसे आप? कांग्रेस पार्टी देखिए, हर पार्टी का अपना अधिकार है, वो अपने तरीके से करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। सर, एक सवाल है, एनआरसी को लेकर असम सरकार ने आवेदन मांगा है, उस पर क्या चीज? एनआरसी पर असम सरकार ने लोगों से आवेदन मांगा, इसके अलावा कोई काम दूसरा नहीं बचा गया देश में। सर, एक सवाल और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो साबरमती रिपोर्ट मूवी देखी थी उसके खिलाफ विरोध किया गया है, जेएनयू में उनके पोस्टर्स फाड़े गए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, ये जिसने देखी है मूवी वो देखे, जिसने बनाई है मूवी वो देखे, मुझे तो इन दोनों चीजों से कोई मतलब नहीं है। इन चीजों के ऊपर क्या आप सवाल कर रहे हैं? आप सवाल करिए, नौजवान बेरोजगार है, आप सवाल करिए कि किसान आंदोलन कर रहा है, आप सवाल करिए कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या हो रहा है, आप सवाल करिए छोटा व्यापारी तबाह और बर्बाद हो गया देश के अंदर, उस पर क्या हो रहा है? जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर बात नहीं होगी, इधर उधर की बातें होंगी देश के अंदर। अंबिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी सदन चलाने को लेकर सीरियस नहीं, अगर होते तो संडे हाथरस जाते, आज क्यों गए हाथरस? अब ये जगदम्बिका पाल जी से पूछिए कि उनकी पार्टी सीरियस है क्या? हम तो बार बार सदन चलाना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं।